जय हिंद। आपके सामने एक बार फिर से हम उपस्थित हैं रेखा गणित का एक सरल भाग लेकर। यदि आप टीजीटी पीजीटी या फिर जूनियर असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यदि आप सीरीज आप कितनी भी लगा लो, सीरीज आप कितनी भी लगा लो, कितने भी आप क्वेश्चन कर लो, जब तक उसकी बेसिक जानकारी नहीं है आपको, तब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है, और इसी बेसिक जानकारी को लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं। आइए देखते हैं त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं, त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। उनमें से पहली परिभाषा है मध्यिका। मध्यिका क्या होती है? नाम ही इनके ठीक उसी के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। ऐसे ही यदि आपने अपना भी नाम किसी मतलब अपना नाम यदि आपने खुद रख लिया है तो कोई बात ही नहीं, या आपके माता पिता ने रख दिया तो एक अलग बात है। लेकिन जिस टाइम किसी ने ग्रंथों को देखकर या पत्रा जिसे बोलते हैं पत्रा को देखकर यदि आपका नाम रखा है तो निश्चित आपके नाम से आपके जो गुण हैं, आपके जो काम हैं, आपके जो कर्म हैं, वो निश्चित रूप से मैच करते होंगे। तो देखते हैं मध्यिका, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, उस त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड या मिलाने वाली रेखा, उस त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। इस प्रकार से त्रिभुज में तीन मध्यिकाएं होती हैं। दी गई आकृति में आप देख सकते हैं मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाया गया, इस मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाया गया, और इस मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाया गया। तो इस प्रकार से तीन मध्यिकाएं प्राप्त होती हैं। जो तीन मध्यिकाएं प्राप्त होती हैं, ये मध्यिकाएं कहां पर? बिंदु जी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो त्रिभुज में तीन मध्यिकाएं होती हैं, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। अब इससे रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, इससे रिलेटेड आपको प्रमेय मिलेंगी। तो थ्योरम आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको जब आएगा, जब आपको उनकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि आखिर केंद्रक क्या होता है, लंब केंद्रक क्या होता है, अंतः केंद्रक क्या होता है, पर केंद्रक क्या होता है, तो इनकी जो जानकारियां है वो कब मिल पाएंगी? जब उनकी आपको डेफिनेशन कन्फर्म होगी। ये कक्षा 10 के भी कोर्स में है, कक्षा 9 के भी कोर्स में है, लेकिन टीजीटी पीजीटी और जूनियर असिस्टेंट जूनियर की जो सहायक अध्यापकों की भर्ती आ रही है, उनके लिए भी ये बेसिक जानकारी बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं दूसरा क्या है, परिभाषा दूसरी है केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं? तो केंद्रक क्या होता है? त्रिभुज की मध्यिकाओं, त्रिभुज की मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, त्रिभुज की मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, वह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। जब मध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसका नाम क्या बनता है? केंद्रक। मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाया गया, मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाया गया, मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाया गया, ये तीनों एक दूसरे को बिंदु जी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। जब बिंदु जी पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो ये क्या होगा? जो जी बिंदु होगा उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। और ये केंद्रक हमेशा शीर्ष की तरफ से, शीर्ष की तरफ से जो मध्यिका है वो 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी शीर्ष की तरफ का जो भाग है वो 2 होगा, और जो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु का भाग है
उसका मान एक होगा, यानी 2:1। आइए देख लेते हैं आगे क्या है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। या आप यह कह सकते हैं किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई शीर्ष लंब कहलाती है। तो ये त्रिभुज का क्या है? शीर्ष है। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला तो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा ऐसे ही इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला, ऐसे ही यहां से शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला। तो ये जो लंब डाले हैं ये लंब जिस बिंदु पर काटते हैं वो बिंदु H है। तो ये A A D B E C F ये किसी त्रिभुज के क्या है? शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब। अब आ गया शीर्ष लंब के बाद शीर्ष लंब, ये जो शीर्ष लंब तीनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। इसे तो क्या कहते हैं? इसे तो कहते हैं केंद्रक, और इसे क्या कहते हैं? लंब केंद्र, लंब केंद्र। अगली परिभाषा है अंतः केंद्र। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्ध भाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों, अंतः कोण ये है पूरा, अंतः कोणों के समद्ध भाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु जिस बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। चित्र में आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है तथा आई पी वृत्त की त्रिज्या है। इस आई से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, लंब आई पी है। इस आई पी दूरी को त्रिज्या मानकर यदि वृत्त खींचा जाए तो ये वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है, यानी इसे अंतः वृत्त कहा जाता है। और अंतः वृत्त के ही माध्यम से जो आई प्राप्त हुआ है उसका केंद्रक उसे अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से निरूपित करते हैं, इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। एक और हेडिंग देख लेते हैं क्या है वो, परिकेंद्र। परिकेंद्र, अब परिकेंद्र क्या है? किसी त्रिभुज की भुजाओं के, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्ध भाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, लंब समद्ध भाजक भुजाओं का लंब समद्ध भाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। चित्र में ओ परिकेंद्र है तथा ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। ए बी सी एक कोई त्रिभुज है, इसकी सम्मुख ये भुजा जैसे ए बी है तो ए बी का लंब समद्ध भाजक किया गया, ऐसे ही ए सी का लंब समद्ध भाजक किया गया। और ये दोनों समद्ध भाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। इसी प्रकार आप बी सी का भी लंब समद्ध भाजक कर सकते हैं, तो ये सभी बिंदु O पर काटते हैं। ये तो लंब समद्ध भाजक है और ये O है वो क्या कहलाता है? परकेंद्र कहलाता है। परकेंद्र होता क्या है? वो है त्रिभुज जिसके तीनों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जा सके, वो है त्रिभुज जिसके तीनों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जा सके त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परिवृत्त। या आप इसके अपोजिट भी परिभाषा दे सकते हैं, वह त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष वृत्त की परिध पर स्थित हों, वह त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष वृत्त की परिध पर स्थित हों परिवृत्त कहलाता है। तब जिसके माध्यम से, जिस केंद्र के माध्यम से इसका निर्माण होता है वृत्त का, उसे परिकेंद्र कहते हैं। और परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से निरूपित करते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। यहां अंतः वृत्त की त्रिज्या देख रहे हैं, अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। अंतः वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से और परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। यहां पर आप देखेंगे
तो अंतःवृत्त ये त्रिभुज जैसे दिया गया है, त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए इंटरमीडिएट जब हम आपको इंटरमीडिएट में एंट्री करेंगे, फिलहाल यहां परिभाषाओं को देख लीजिए। तो कैपिटल आर त्रिभुज का क्षेत्रफल के रूप में परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, एबीसी बटे फोर डेल्टा, एबीसी बटे फोर डेल्टा, तो ये क्या आ जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। इसके लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और त्रिभुज की भुजाएं एबीसी, तो उससे क्या निकलती है, स्मॉल आर निकालने के लिए क्या होता है, डेल्टा बटे एस, डेल्टा बटे एस, जहां एस क्या है, जहां एस उसकी परिमाप है, उसकी परिमाप से एस का मान निकाला गया, परिमाप तो टोटल होती है 2s, लेकिन s जब निकालते हैं तो क्या कहलाती है, अर्ध परिमाप, और डेल्टा क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या को आप ज्ञात कर सकते हैं, r बराबर डेल्टा बटे s। ऐसे ही कैपिटल r परिवृत्त की त्रिज्या, तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, abc बटे 4 डेल्टा, abc बटे 4 डेल्टा, तो ये भी आपको आगे मिलेंगे, इनकी भी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अंतःवृत्त का क्षेत्र, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, और उसके लिए उसका क्षेत्रफल दिया गया है, उनकी भुजाओं को दिया गया है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आगे जानना जरूरी है। फिलहाल यहाँ इतना ही, इस प्रकार की ये परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। जब तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वो केंद्रक बन के तैयार होता है, और जब त्रिभुज के लंब केंद्र, वो सॉरी, जब त्रिभुज के शीर्ष लंब डाले जा रहे हैं, तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है, तथा त्रिभुज के अंतःकोणों का, त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, अंतःकोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो होता है, जैसे आई कह दिया, तो उसे त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं। और जब त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु जहां प्राप्त होता है उसे परकेंद्र कहते हैं। तो तीन प्रकार के, नंबर एक केंद्रक, केंद्रक के बाद लंब केंद्र, उसके बाद अंतःकेंद्र, उसके बाद परकेंद्र, ये आपको पता होना चाहिए। कि इस प्रकार का भी एक प्रश्न आया था कि एक त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है, एक त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। उसके बाद नीचे दिया गया था लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, परकेंद्र, केंद्रक, तो इनमें से आपको कोई एक टिक करना होगा, और टिक करने के लिए सही क्या होगा वो आप इन परिभाषाओं से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, त्रिभुज में तीन ही माध्यिकाएं होती हैं, तीन ही शीर्ष लंब होते हैं, तीन ही भुजाओं के समद्विभाजक भी तीन बनते हैं, कोणों के समद्विभाजक भी तीन बनते हैं, तीन ही भुजाएं होती हैं, तीन ही अंतःकोण होते हैं, तीन ही शीर्षक होते हैं, तो त्रिभुज का लगभग तीन, सभी है लगभग तीन के बराबर। अब इसके बाद बात आती है किसकी, केंद्रक, अंतःकेंद्र, परकेंद्र और क्या, लंब केंद्र। तो लंब केंद्र आपको कब प्राप्त होगा, जब त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, शीर्ष लंब कहलाते हैं, तीनों शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, ऐसे ही तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त होता है उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु जो प्राप्त होता है उसे परकेंद्र कहते हैं। जब भुजाओं का समद्विभाजक करते हैं ऐसी स्थिति में त्रिभुज के शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है जो त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। ऐसे ही जब कोणों का समद्विभाजक करते हैं तो उसके केंद्रक से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब यदि उसकी त्रिज्या मान लिया जाए
तो उससे एक अंतःवृत्त बनाया जा सकता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है, उसके द्वारा प्राप्त केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है और अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से तथा परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल r से निरूपित करते हैं। जब आपको किसी अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसकी अर्ध परिमाप ज्ञात होनी चाहिए या टोटल परिमाप, तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से ये हेडिंग इतनी है। अगले जो वीडियो है, अगले वीडियो में आप देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये प्रमेय हम आपको सिद्ध करवा चुके हैं। इससे संबंधित प्रमेय तो त्रिभुज से संबंधित प्रमेय कौन कौन सी है, अभी इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें क्या था, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो वैसे ही प्रमेय तैयार होंगी, न्यून कोण प्रमेय, अधिक कोण प्रमेय, समकोण प्रमेय, और समकोण प्रमेय से सभी लोग परिचित हैं, अर्थात वो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, और उसका क्षेत्रफल भी आसानी से निकाला जा सकता है, 1/2 लंब गुणित आधार, कर्ण को छोड़ दिया जाए तो शेष दो भुजाएं जो बची हैं वो हमेशा लंब और आधार का काम करती हैं। अगर इसे लंब मान लिया जाए तो दूसरी आधार का काम करेगी, अगर उसे लंब मान लिया जाए तो ये वाली भुजा आधार का काम करेगी। कर्ण अपनी जगह स्थिर रहता है, वो एक सबसे बड़ी भुजा है। त्रिभुज बनना जब ही संभव है जब त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा हो। यदि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा के बराबर है तो भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, और यदि कम है तब भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। भुजाओं के आधार पर कोणों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार भी तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप अगला नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।